जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे ब्रेकिंग न्यूज में। जी हां फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल आ रही है सरकार की तरफ से। जी हां फ्रेंड्स, यहां पर जो गरीब मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए सरकार बहुत जल्द यहां पर ट्रेनें चलाने वाली है। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अगर दोस्तों आप एक गरीब मजदूर हैं और आप भी दोस्तों फंसे हुए हैं तो भाई फटाक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि दोस्तों आपकी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंच सके और आप जल्द से जल्द दोस्तों अपने घर तक पहुंच सके। तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो आपकी ट्रेनें हैं और जो आपकी बसें हैं वो दोस्तों सरकार बहुत जल्द यहाँ पर चलाने वाली है। तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर आपकी जो बसें हैं और आपकी जो ट्रेनें हैं वो दोस्तों रात 12 बजे से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी। सरकार ने दोस्तों अहम फैसला लेते हुए कहा है कि यहाँ पर जो गरीब मजदूर हैं वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच सकते हैं। जैसा फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रेन चलाने के लिए रेलवे बना रहा है स्पेशल प्लान, लागू हो सकते हैं 5 नए नियम। जी हाँ दोस्तों, 5 नए नियम दोस्तों आपके लागू होंगे और आपकी जो ट्रेन है वो दोस्तों चलने वाली है। दोस्तों कौन से वो 5 नियम, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले अभी तक दोस्तों आपने हमारे जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं आपके 5 नियम। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर आपने 15 अप्रैल से पहले कोई भी टिकट बुक किया है तो भाई आपको कोई टिकट बुक करने की जरूरत नहीं है, आपका पहले वाला टिकट ही दोस्तों इसमें मान्य होगा। और दोस्तों यहाँ पर जो गरीब मजदूर है उनके लिए दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल फ्री टिकट दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो गरीब मजदूर फंसे हुए हैं उनको दोस्तों बिल्कुल फ्री टिकट सरकार की ओर से प्रोवाइड किया जाएगा। और दोस्तों कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें भाई लॉकडाउन को खोल दिया गया है, तो ऐसे में दोस्तों वहां पर बसें भी चलाई जाएंगी जिससे कि दोस्तों वहां पर जो फंसे हुए हैं, जो यात्री हैं, जो गरीब मजदूर हैं, सब दोस्तों अपने घर तक पहुंच सकें। तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत जल्द दोस्तों आपके शहर, आपके राज्य में जो ट्रेनें हैं वो चलने वाली हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो गरीब मजदूर जो बेचारे फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द अपने घर तक पहुंच सकते हैं, ये सरकार ने अहम फैसला यहाँ पर ले लिया है। अब दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो गरीब फंसे हुए हैं वे अपने घर तक कब तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि आपके शहर में जो ट्रेनें हैं और दो दोस्तों यहाँ पर बसें हैं वो दोस्तों रात 12 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी चलनी। यही दोस्तों सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है। नॉन स्टॉप न्यूज में सबसे बड़ी न्यूज यही है कि आपके यहाँ पर दोस्तों जो ट्रेनें हैं, बसें हैं वो दोस्तों जल्द से जल्द यहाँ पर चलने वाली है। और दोस्तों यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी गरीब मजदूर फंसा है वो अपने घर तक जरूर पहुंचाया जाएगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। सरकार ने यह अहम फैसला लेते हुए कहा है कि हमारे राज्य में जो भी गरीब मजदूर है, चाहे वो किसी भी राज्य का है, उसे अपने घर तक जरूर पहुंचाया जाएगा। उसके तहत यहाँ पर हमारे जो योगी सरकार है उन्होंने यहाँ पर ट्रेनें और बसें की व्यवस्था भी कर दी है। तो आपके इलाके में जो बसें हैं वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी चलने। तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर आप अपने घर तक जाना चाहते हैं तो सरकार ने आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, तो उस हेल्पलाइन नंबर से आप सरकार से कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, सरकार आपकी मदद जरूर करने यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी न्यूज़ आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। और दोस्तों ट्रेन के साथ साथ यहाँ पर एक और बेहतरीन न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है, आपके यहाँ पर जो दुकानें हैं वो भी दोस्तों रात 12 बजे से खुलनी चाहिए। और छात्रों के लिए खुशखबरी ये है कि जो छात्र अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी। जब सरकार ने सारा प्लान यहाँ पर बना लिया है और उनकी ऑनलाइन स्टडी यहाँ से होती रहेगी। और दोस्तों सबसे बड़ी न्यूज ये भी है कि भाई अगर आपको अभी तक सिलेंडर नहीं मिला है तो भाई आपको मिलेगा 4 महीने तक मुफ्त सिलेंडर। जी फ्रेंड्स, सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान यहाँ पर कर दिया है, जिस भी गरीब को यहाँ पर सिलेंडर नहीं मिला है उज्ज्वला योजना के तहत उनको दोस्तों यहाँ पर सिलेंडर दिया जाएगा। और दोस्तों उनके लिए यहाँ पर एक ई पास भी तैयार किया जाएगा जिससे दोस्तों वो कहीं भी घूम सकते हैं। और जो गरीब मजदूर हैं उनके खाते में सीधे यहाँ पर जो सरकार है वो 1,000 रुपये डालने वाली है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करेंगे कि यहाँ पर जो गरीब मजदूर पलायन करते हुए पाए जाएंगे उनके लिए दोस्तों वहीं से ट्रेनें और बसें स्टार्ट की जाएंगी ताकि दोस्तों कोई मजदूर अपने घर तक पैदल ना पहुंच सके। और किसानों के लिए बेहद बड़ी खबर यह है कि किसान सीधे अपने मंडी में अनाज बेच सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, तो दोस्तों आपको बता दें अगर आप ट्रेन बस में भीड़ की तरह इकट्ठे होकर जाएंगे तो भाई सरकार आपके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको सोशल डिस्टेंस का बहुत बड़ा ख्याल यहाँ पर रखना पड़ेगा ताकि दोस्तों जो सरकार है वो आपके लिए हर संभव मदद करे। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए भीड़ इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं होने देनी है ताकि दोस्तों जो लॉकडाउन चल रहा है उसके नियम का पालन कर सके, क्योंकि दोस्तों अभी कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्हें भाई अभी तक लॉकडाउन नहीं हटा है। पीएम मोदी दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पर लाइव आएंगे और आपको बताएंगे कि आपके राज्य में जो ट्रेनें हैं वो दोस्तों कौन सी जगह से स्टार्ट हो जाएंगी।
या फ्रेंड्स यहाँ पर जो बसें हैं वो दोस्तों यहाँ पर सरकार ने ऐलान कर दिया है कि यहाँ पर जितनी भी बसें हैं वो आपकी सेवा में यहाँ पर तत्पर लगाई जाएंगी और आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर जारी किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने साफ कर दिया है कि यहाँ पर जो गरीब मजदूर फंसे हुए हैं वो बहुत जल्द यहाँ पर पहुँच जाएंगे। सरकार ने इसके लिए बहुत बड़ा प्लान यहाँ पर बना लिया है। जो भी गरीब मजदूर पैदल जाएंगे उनके लिए यहाँ पर ट्रेन, बसें, ऑटो सब दोस्तों यहाँ पर बुक कर दिए गए हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन यहाँ ना लीजिए, आपके लिए सरकार ने हर समय मदद यहाँ पर कर दी है। तो दोस्तों ये थी आज की सबसे बड़ी न्यूज़। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट न्यूज में।